इस देश के पूर्वोत्तर का एक अहम राज्य है मणिपुर, और मणिपुर जल रहा है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, मणिपुर वाकई में 4 दिनों से जल रहा है। हत्या, अगजनी, लूट, संपत्ति स्वाहा होने की दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। हिंसा इतनी उग्र हो चुकी है कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा है। 16 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा हुआ है, मतलब आधे राज्य में, और भारतीय रेल ने रेलगाड़ी वहां भेजने से मना कर दिया है, सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। हिंसा ने इतना उग्र रूप ले लिया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, और इस देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने गवर्नर को अधिकृत कर दिया है शूट एट साइट ऑर्डर के, मतलब जहां देखो वहां गोली मार दो। ये 2023 का भारत है जहां पर एक राज्य जल रहा है और शूट एट साइट के ऑर्डर है। मणिपुर की ध्वस्त व्यवस्था के चलते वहां के मंत्री, वहां के विधायक, खुद ओलंपियन और भाजपा की राज्यसभा सांसद रह चुकी मैरी कॉम हाथ जोड़ के दुहाई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री, हमारा प्रदेश जल रहा है, उसको जलने से बचा लीजिए, खत्म होने से बचा लीजिए। लेकिन इस देश की विडंबना है और दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कर्नाटका में इतने व्यस्त हैं, वोट की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि मणिपुर जल के स्वाहा हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको मतलब सिर्फ वोट से है, वोट वोट और वोट। लेकिन आज सवाल पूछना पड़ेगा और सवाल पूछना जरूरी है। मणिपुर में, मणिपुर में दंगे पूरी तरह से सांप्रदायिक हो चुके हैं, धार्मिक संस्थानों पर हमला हो रहा है, लोगों पर हमला हो रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, अगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, संपत्ति जलकर स्वाहा हुई जा रही है। क्या कोई नैतिकता नहीं है प्रधानमंत्री मोदी आपकी और गृहमंत्री अमित शाह की कि आप अपना सारा अटेंशन मणिपुर पर दीजिए? आपने तो यहां कर्नाटका आके कहा था अमित शाह जी कि अगर आपकी सरकार नहीं आएगी तो दंगे हो जाएंगे। मणिपुर में आपने किसके नाम पर वोट मांगा था? वहां पर तो आपकी सरकार है, आपके रहते हुए मणिपुर जल उठा है, क्या कर रहे हैं आप उसके बारे में? असलियत तो यह है कि एक गृहमंत्री के तौर पर आप पूरी तरह से विफल रहे हैं। असम और मिजोरम में गोली चल जाती है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सीमा विवाद हो जाता है, अब मणिपुर जल रहा है। आपको अपने पद पर रहने का क्या मौलिक अधिकार है? वास्तव में तो मणिपुर में 356 अनुच्छेद के तहत तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और स्थिति बहाल, शांति बहाल करने के प्रयास करने चाहिए। और मोदी जी, मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करती हूं, आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक मात्र नहीं है। कर्नाटका भी देख रहा है कि मणिपुर के हमारे भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, और कर्नाटका भी चाहता है कि आप अपना सारा अटेंशन वहां पर शांति बहाल करने में, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में लगाइए। मणिपुर को जलने से बचा लीजिए मोदी जी, यहां पर वोट मांगना आपके कर्तव्य के खिलाफ है। इस देश का एक राज्य जल उठा है, उसको बचाइए, वहां पर शांति बहाल करिए, वो आपका राजधर्म है, आपको अपना राजधर्म याद दिलाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।